रविवार की शाम अकोला शहर समेत जिले में जोरदार आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि और बारिश हुई, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। इस ओलावृष्टि के कारण फसलों के साथ ही फल बागों का खासा नुकसान हुआ है। रविवार की शाम अकोला जिले में तेज आंधी तूफान और बारिश के साथ ओलावृष्टि ने कहर बरपाया। रविवार की शाम जोरदार गड़गड़ाहट और चमक के साथ आरंभ हुई तेज आंधी तथा बारिश के साथ पड़े ओलों ने अकोला जिले के ग्रामीण इलाकों में नुकसान पहुँचाया है। अकोट, टेलारा, मूर्तिजापुर व अकोला तहसील में अनेक स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ जोरदार ओलावृष्टि हुई। अकोला शहर में भी कई जगहों पर ओले गिरे, जिनका आकार काफी छोटा था, जबकि ग्रामीण इलाकों में गिरे ओले का आकार आंवले का था। अकोट तहसील के ग्राम अकुली जहांगीर, काजीपुरा, पोपड़खेड़ परिसर के अलावा कुटासा आदि परिसरों में जमकर ओले गिरे, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। जोरदार आंधी तूफान के कारण कई पेड़ धराशायी हो गए, कई घरों की छप्पर उड़ गई, बिजली की तारें टूटने के कारण कई इलाकों की बिजली गुल हो गई थी। ओलावृष्टि के कारण प्याज, नींबू, तरबूज, आम, सब्जियों, गेहूं, कपास तथा मक्का फसल को नुकसान पहुंचाया है। अकोट तहसील में केला और आम का भारी नुकसान हुआ है। वहीं बालापुर तहसील में नींबू, पपीता, आम फसल का नुकसान हुआ है। बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि के कारण कृषि कार्य भी प्रभावित हुए हैं। विदर्भ में आगामी 3 दिनों तक बिजली की गड़गड़ाहट के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की चेतावनी पुणे मौसम विभाग ने दी है। बारिश के कारण अकोला शहर का तापमान कुछ कम हुआ है। वहीं रविवार की देर रात तक कई इलाकों की बिजली गुल थी, जिसके कारण नागरिकों को भारी उमस का सामना करना पड़ा।